नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने जो इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनवा लिया है आधार कार्ड थ्रू ई फिलिंग साइट से, इस पैन कार्ड के थ्रू हमारा बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। या फिर बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हमने तो पैन कार्ड बनवा लिया है, हमारा पैन कार्ड बन गया है और अब हम इसको फिजिकली मंगाने के लिए NSDL से या फिर UTI की साइट से हम रिप्रिंट ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये रिप्रिंट भी ऑर्डर नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद 24 से 48 घंटे में आपका जो पैन कार्ड है एक्टिवेट हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको अभी देखने को मिल सकता है 24 से 48 घंटे के बाद भी आपका पैन कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है। वहाँ पर आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल सकता है। तो अभी कोई भी फिक्स नहीं कि ये एक्टिवेट कब होता है, 7 दिन में होता है, 15 दिन में होता है, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है। आप ई फिलिंग वालों को कॉल भी कर सकते हो या फिर आप ईमेल में भी पूछ सकते हो कि आप तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका जो पैन कार्ड है कितने दिनों में एक्टिव होगा। तो दोस्तों, वहीं आप लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा तो इंस्टेंट ई पैन कार्ड सक्सेसफुल बन गया है और हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन अब हम इस पैन कार्ड को फिजिकल मंगाना चाहते हैं और इस पर सिग्नेचर नहीं है, फादर्स नेम नहीं है, तो हम इसको ऐड कराना चाहते हैं और अपनी न्यू फोटो भी करेक्शन कराना चाहते हैं। अगर आप इंस्टेंट ई पैन कार्ड में ये सब कुछ कराना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा कि ई पैन कार्ड में आप अपने सिग्नेचर और फादर्स नेम किस प्रकार से ऐड करा सकते हैं NSDL की साइट में। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा क्या ओपिनियन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस पैन कार्ड में सब कुछ करेक्शन कराते हो तो आपको तो यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, NSDL से बनाओ या फिर आप UTI की साइट से करेक्शन कराओ। तो अब मेरा कहना ये है कि आप पहले से ही आप इसी साइट में अपना पैन कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते, क्यों आप फ्री के चक्कर में पहले आप यहाँ पर अप्लाई करते हो और इसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर मान लीजिए कि आपका सक्सेसफुल बन जाता है फ्री में, इसके बाद से आप पेमेंट करके आप यहाँ पर करेक्शन करते हो। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस फ्री के चक्कर में ना रहें, बल्कि आप अपना डायरेक्ट ही आप इन साइटों से आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो।